जय श्री राधे। प्रिय दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ श्री गणेश अंबिका के जो पंचामृत मंत्र हैं वो पढ़ाने जा रहा हूँ लाइव वीडियो से, लाइव पुस्तक से। ये नित्य ग्रंथ पूजा प्रकाश है, गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित है। पेज नंबर 100, ये गणेश अंबिका पूजन, तो ये पेज नंबर 190 पेज नंबर है। अब मैं यहाँ से शुरू करने वाला हूँ। हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी के निशान को दबाइए, क्योंकि इस YouTube चैनल पर मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। और इस वीडियो को आप देख करके जरूर लाइक कीजिएगा। जैसी वीडियो लग रही है, अच्छी या बुरी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर अच्छी लग रही होगी तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। चलिए शुरू करते हैं पूजन के मंत्र, गणपति और गौरी की पूजा। मंत्र मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। आपको पहले मैं बता देता हूँ कि मैं कौन सी पुस्तक से पढ़ा रहा हूँ। ये पुस्तक है नित्य ग्रंथ पूजा प्रकाश, गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित है। आप इस पुस्तक से पढ़ सकते हैं। पेज नंबर है 190। तो यहाँ से मैं आज आपको ये सभी मंत्र आप किसी भी देवता की पूजा में बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पूजा में जो वस्तु विद्यमान न हो सके उसके लिए मनसा परिकल्पयामि या समर्पयामि कह करके उसके लिए उसकी जगह चावल छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हाथ में अक्षत लेकर के भगवान गणेश का ध्यान किया जाता है। ये श्लोक है, गजाननम भूत गणादि सेवितम कपेत्थ जम्बो फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भगवती गौरी का ध्यान, नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम् नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः, ध्यानम समर्पयामि। चावल छोड़ दीजिए। इसके बाद भगवान गणेश का आह्वान किया जाता है इस मंत्र से। हरिः ॐ गणानान्त्वा गणपति गुङ्घवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुङ्घवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुङ्घवामहे वसो मम आहम जानि गर्भदमा त्वम जासि गर्भदम्। एहि एहि रम्ब महेश पुत्र समस्त विघ्नोग विनाश दक्ष मांगल्य पूजा पद्म प्रधान गृहाण पूजा भगवन् नमस्ते। ओम भूर्भुव स्व सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः। गणपति मावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। हाथ में अक्षत गणेश जी पर चढ़ा दें, फिर अक्षत लेकर के गणेश जी की दायनी और गौरी जी का आह्वान करें। भगवती गौरी का आह्वान, ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमा नयति कश्चन स सत्यस्वकः सुभद्रिकां कांपीलवाशिनीम्। ओम हेमाद्रीतनयां देवीं वरदां शंकरप्रियां लंबोदरस्य जननीं गौरीं आवाहयाम्यहम्। ओम भूर्भुवः स्वः गौर्यै नमः गौरीं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। इसके बाद प्रतिष्ठा करें, हरिः ॐ मा मनो ज्योतिर्जुखता मा दशिया बृहस्पतिर्दधियामि मन्तानो त्वारिष्टं जजिया गुंसमिमं ददातु विश्वे देवा स इह मादयन्तामो प्रतिष्ठ अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणा चरन्तु च अस्यै देवत्वमर्चाये माम हेति च कश्चन। गणेशाम्बिके सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेताम् प्रतिष्ठा पूर्वकम् आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। गणेशाम्बिकाभ्याम नमः, आसन के लिए अक्षत समर्पित करें। इसके बाद चार बार जल छोड़ना होता है, पाद्य अर्घ्य आचमनीय स्नानीय पुनराचमनीय, ये जल छोड़ना होता है इस मंत्र से। ओम देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽस्विनोर्बाहुभ्याम् पूष्णो हस्ताभ्याम् एतानि पाद्यर्घ्याचमनीय स्नानीय पुनराचमनीयानि समर्पयामि। गणेशाम्बिकाभ्याम नमः, इतना कह करके जल चढ़ा दें। इसके बाद
दूध से स्नान कराना होता है। ओम पाया पृथिव्याम पाया ओखादी कुपायो दिव्यांतरिक्षे पायो धा पाया सुवाति ही प्रदिशा संतु मह्यम कामधेनु समुद्भूतं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञ हेतुश्च पयस्नानार्थमर्पितम्। ओं भूर्भुवस्व गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पयस्नानं समर्पयामि। दूध से स्नान कराएं, इसके बाद दधि से स्नान। ओम धारिक्राबणो अकारिकं जिष्णो रसवस्य वाजिना सुरभिनो मुखाकारत् प्राण आयु गुंखितारिखत पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभं दद्यानीतं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ये दही से स्नान कराएं। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। दधि स्नानं समर्पयामि। दधि से स्नान कराएं, उसके बाद घी से स्नान, घी स्नानम। ओम घृतम मीमिक्षे घृतमस्य जो निर्घृते श्रीतो घृतम वस्य राम अनुकुवदमावमादयस्व स्वाहा कृतम व्रीकाभवक्षि अव्यम नवनीत समुत्पन्नं सर्वसंतोषकारकं इदं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओं भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। घृतस्नानं समर्पयामि। घी से स्नान कराएं। प्रिय दर्शकों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा। समझ में नहीं आ रही है तो भी बताइएगा, और अगर समझ में आ रही है तो भी बताइए, क्योंकि ये वीडियो मैं पहली बार बना रहा हूँ इस तरह से, क्योंकि पहले मैंने लिख करके बनाई थी, ये लाइव वीडियो मैं पहली बार बना रहा हूँ। तो आप जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर अच्छी लग रही है तो जरूर बताइएगा, फिर मैं सब वीडियो ऐसे ही बनाने वाला हूँ, प्रैक्टिकल करके आपको सब मंत्र बताने वाला हूँ। तो जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। आगे मधु स्नान, शहद से स्नान कराने का मंत्र। हरि ओम मा मधुवातारितायते मधुच्छरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्त्वोखदी मधुनक्तमुतो खशो मधुमत्पार्थिवगुङ्ग्रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता पुष्परेणु समुद्भूतं सुस्वादु मधुरं मधु तेज पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। प्रिय दर्शकों, आपको मैं बता दूं, ये हर दो दो मंत्र दिए हैं, पहला एक मंत्र ये है, दूसरा मंत्र ये है। तो ये वैदिक होता है और ये लौकिक मंत्र होता है। तो आपको जो अच्छा लगे, वैदिक आता हो तो वैदिक बोल सकते हैं, लौकिक आए तो लौकिक बोल सकते हैं। एक मंत्र बोलना होता है, मैं दोनों दो मंत्र इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको जो अच्छा लगे आप उसको बोल सकते हैं। आपके लिए अगर लौकिक अच्छा रहे, क्योंकि ये सरल है थोड़ा सा, तो लौकिक मंत्रों से भी आप पूजा कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मधु स्नानं समर्पयामि। मधु से स्नान कराएं, इसके बाद शर्करा स्नान, शक्कर हो या चीनी इत्यादि, बुरा चीनी हो उससे भी स्नान करा सकते हैं। ओम आपा गुंग्रा स मधुवाया स गुं सूर्जे संत गुं समाहितम् आपा गुंग्रस्य जो रसस्तम वो घृणाम्युतममुपाया मग्रीहीतो सिन्द्रायत्वा जुष्टम घृणामेकदे जो निरिन्द्रायत्वा जुष्टातमम्। ओम इक्षु रस समुद्भूतां शर्करां पुष्टिदां शुभां मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि। शर्करा से स्नान कराएं, इसके बाद पंचामृत। ओम पंच नद्यः सरस्वती मापियन्ति सरोतसः सरस्वती तु पञ्चदशो देशे भवत्सरिता पंचामृतं मया नीतं पयोदधिघृतं मधु शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओं भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत से स्नान कराएं, उसके बाद गंधोदक चंदन मिश्रित जल डाल करके स्नान कराएं। ओम अगुंशुनाते अगुंशुः प्रिच्यतां परुका परुखा परुः गंधस्ते सो ममवतु मधाय रसो अच्युतः मलयाचल समुद्भूत मलयाचल सम्भूत चंदनेन विनिश्रितम् इदं गंधोदकस्नानं कुंकुमाक्तं जगृह्यताम्। ओं भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। गंधोदकस्नानं समर्पयामि। गंधोदक से स्नान कराएं, इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं।
ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्त आश्विना श्वेतः श्वेताक्षो ऋणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजाम अवलिप्ता रौद्र नभो रूपाः पार्जन्याः गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ओम भूर्भुवस्व अग्निशाम्बिकाभ्यां नमः शुद्धदकष्णान समर्पयामि शुद्ध जल से स्नान कराएं। प्रिय दर्शकों आगे की वीडियो में दूसरी बनाने वाला हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पता नहीं ये वीडियो आपकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही होगी, इसलिए एक बार मैं आप सबके पास में छोटी सी वीडियो बना करके भेज रहा हूं। देखिए कमेंट जरूर कीजिए अगर अच्छी लग रही है तो, मैं इसी तरह आपको पूरे मंत्र पढ़ाने वाला हूं सभी, क्योंकि इसमें मेहनत भी कम होगी लिखने में, डायरेक्ट मैं आपको किताब से वीडियो बना करके पढ़ाऊंगा। तो जरूर कमेंट करना इस वीडियो पर आपको कैसी लगी, अच्छी लगी बुरी लगी, अगर समझ में नहीं आई तो भी जरूर लिखिएगा क्योंकि मैं ऐसी वीडियो ना बनाऊं। तो ये पुस्तक है नित्य कर्म पूजा प्रकाश, इससे आप पढ़ सकते हैं और ये गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिएगा। जय श्री राधे।